फॉरनर ब्लॉग में आज हम आए जब किचन में खाना खाने। एक बार तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, वीडियो आपके पास पहुँच चुकी है, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर भैया ने बुलाया तो मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ। तो चलिए आज मैं यहाँ की सारी व्यवस्था आपको दिखाऊंगा और इतना अद्भुत बना हुआ है कि क्या ही कुछ जवाब नहीं। तो ये देखिए अयोध्या किचन के नाम से, चलिए मैं अंदर चलता हूँ, अंदर का अद्भुत और नायाब नज़ारा आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो कई प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, अद्भुत जो कि लगी हैं। मैं आपको अंदर का अद्भुत और नया नजारा आपको दिखाता हूँ, इसके बाद यहाँ की प्लेट जो लगी थी वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आइए अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर अद्भुत और नया नज़ारा आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए क्या लाइटिंग की गई है यहाँ की, इतनी गजब की लाइटिंग आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो अयोध्या किचन के नाम से रसोई है और यहाँ पर अगर आप आएंगे यहाँ की व्यवस्था एक नंबर मिलेगी। अभी यहाँ पर नया नया खुला हुआ तो कस्टमर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से कस्टमरों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अद्भुत रेस्टोरेंट खुला हुआ है अयोध्या किचन के नाम से। तो आप जरूर से जरूर एक बार यहाँ पर आइए। तो अब मैं आपको यहाँ की थाली दिखाने वाला हूँ जो कि अद्भुत और स्वादिष्ट लगेगी देखने में। फिलहाल हमारा टाइम खत्म होता है तो यहाँ पर हमारी प्लेट लगकर तैयार हो चुकी है। तो आइए मैं आपको खाकर बताने वाला हूँ यहाँ का खाना खाने में कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगर आप कभी आएंगे तो यहाँ की प्लेट इसी तरीके से आपको मिलेगी। 180 रुपये इसका प्राइस है। आइए मैं आपको खाकर बताने वाला हूँ इसका स्वाद भी कैसा होता है। आनंद वो स्वाद है ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। अयोध्या किचन के नाम से रसोई है और यहाँ का खाना नहीं पता नहीं क्या है, इतना स्वाद है कि अमृत भी फेल है इसके आगे। भाई साहब मज़ा आएगा अगर आप कभी अयोध्या में आएंगे तो ऐसा खाना आपको खाने को मिल जाएगा। हमारा खाना यहाँ पर खत्म होने वाला है तो हम आपको काला जान जरूर चाहिए फिर यह माना जाता है, तो खाकर बताएंगे कितना मजा आता है इसको खाने में। आप भी देख लीजिए इसी तरीके से आपको मिलेगा अयोध्या किचन में। यहाँ के रसगुल्ले में वो स्वाद मुझे मिला कि आज तक मैंने ऐसा रसगुल्ला खाया ही नहीं, तो ये सही बात है। तो आप कभी आइएगा तो आपको भी खाने के बाद ऐसा ही रसगुल्ला मिलेगा, खा कर बताइएगा कितना मज़ा आता है आपको खाने में। यहीं पर अपने वीडियो को थोड़ा सा आराम देते